बाराबंकी से बड़ी खबर, गहरे पानी में डूबकर 3 की मौत। एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी। बाराबंकी से खबर बता रहे हैं जहां पर एक युवक का शव मिला है, दो लोग अभी भी लापता हैं। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ा पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। बाराबंकी से खबर बता दें जहां पर गहरे पानी में डूबकर 3 की मौत हो जाती है। एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी। एक युवक का शव मिला है, दो अभी भी लापता हैं। मोहम्मदपुर का खाला थाना क्षेत्र के बहेड़ा पुल की पूरी घटना बताई जा रही। गहरे पानी में डूबकर 3 की मौत। बाराबंकी से खबर आपको बता दें, एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी। एक युवक का शव मिला, दो अभी भी लापता। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बहेड़ा पुल की पूरी घटना। गहरे पानी में डूबकर 3 की मौत। एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी। एक युवक का शव बरामद किया गया, दो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बहेड़ा के पुल की पूरी घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, 3 लोगों की डूबने से मौत हुई है, एक का शव बरामद कर लिया गया, क्या कुछ जानकारी जानना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के चौचेरी नदी पर बने पुल की घटना है, जहां पर बेहड़ा गांव के पास टूटे पुल पर को पार करते हुए समय जो है एक युवक का संतुलन बिगड़ने से पानी में गिर गया। पानी काफी होने के कारण युवक डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए दो युवक और भी पास में खड़े हुए थे, उसको बचाने के लिए दौड़े और वो भी उसी गहरे पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज था, जिससे डूबे हुए युवकों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन गोताखोरों की मदद से एक युवक को जो है तलाश कर लिया गया। और आपको बता दें कि इस टूटे पुल की खबर को के न्यूज ने पहले भी प्रमुखता से चलाई थी, फिर भी प्रशासन चेता नहीं, और ये अपनी घटना फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब तीन मौतों के बाद प्रशासन किस तरीके से काम करेगा या फिर लिपापोती करता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए सत्येंद्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, अभी भी 2 लापता बताए जा रहे हैं। हमीरपुर से खबर आपको